अब ये पढ़ो, पेपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम सपोर्ट्स सिक्स यूजर्स स्पीच फ्रॉम ईच यूजर इज सैंपल एंड एजेस्टेड कनेक्शन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटाइज डिजिटल डिजिटाइज वैल्यू फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल डिजिटाइज वैल्यूज आर स्टोर इन एरे सैंपल्स द एरे सैंपल कंसिस्ट ऑफ सिक्स रोज बाय 128 कॉलम्स एंड इस टाइप ऑफ इंटीजर ईच रो कंटेन्स 128 डिजिटाइज साउंड सैंपल्स फॉर वन यूजर डिजिटाइज साउंड साउंड सैंपल फॉर ईच यूजर यूज टू यूज सिंगल वैल्यू which will be stored in only area this possibility implemented proceed to mix this mix will be translated to six sounds samples in column in your sound the samples values of 10 or less so the average value with corresponding position in result repeat for each value for each column is in an array sample. ये कह रहे हैं कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम है जिसमें जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वो अप टू सिक्स यूजर को सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो वो बात करते हैं स्पीच फ्रॉम ईच यूजर इज सैम्पल, क्योंकि हम जो कंप्यूटर साउंड को अंडरस्टैंड नहीं करता, हम साउंड को सैम्पल फॉर्म में कन्वर्ट सैम्पल करते हैं और सैम्पल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म। स्पीच फ्रॉम ईच यूजर इज सैम्पल एंड डिजिटाइज। सैंपल करने के बाद फिर डिजिटाइज का मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल। तो डिजिटाइज वैल्यू आर स्टोर्ड इन एरे सैंपल, जो वैल्यू ये डिजिटाइज हो जाती है उसको एक एरे में स्टोर करते हैं जिसका नाम है सैंपल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है यस एरे का। अच्छा, अब आगे सेकेंड पैरा में कह रहा है, तो एरे सैंपल कंसिस्ट ऑफ सिक्स रोज बाय 128 कॉलम। ठीक है, एरे में कितनी रोज है? 128 samples 128 कॉलम है और सिक्स रोज है, ठीक है। yes. एंड इज ऑफ टाइप इंटीजर, और उसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो सब के सब इंटीजर होंगे। ठीक यस है, ईच रो कंटेन 128 डिजिटाइज साउंड सैंपल फ्रॉम वन यूजर। एक सेकंड रुकना, चल ठीक है, मैं देखता हूँ। था अच्छा, फिर कह रहे द डिजिटाइज साउंड सैंपल फ्रॉम ईच यूजर आर टू बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू। अच्छा, वो तो समझ में आ गया कि ईच रो कंटेन 128 डिजिटाइज साउंड सैंपल फ्रॉम, यानी एक रो में जो 128 कॉलम है उसमें 128 वैल्यू स्टोर होंगी और डिजिटाइज फॉर्म से डिजिटाइज होंगी। द डिजिटाइज साउंड सैंपल फ्रॉम ईच यूजर आर टू बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू व्हिच विल बी स्टोर्ड इन 1D एरे रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर। तो कह रहा है डिजिटल सैंपल वैल्यूज हैं हर यूजर की, उसको हमने एक सिंगल लाइन में स्टोर करना, सिंगल वैल्यू, ठीक है, विच विल बी स्टोर्ड इन 1D। एक और एरे है रिजल्ट जिसका नाम है, उसके अंदर उन वैल्यूज का जो रिजल्ट है वो वहां पे स्टोर करेंगे। दिस प्रोसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर मिक्स। अब इस काम को करने के लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया है। अब प्रोसीजर मिक्स विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द सिक्स साउंड सैंपल इन ए कॉलम। ठीक है, क्या करता है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द सिक्स साउंड सैंपल इन ए कॉलम, इग्नोर साउंड सैंपल वैल्यू ऑफ 10 और लेस। अच्छा, अगर साउंड सैंपल की वैल्यू 10 से बिलो है ना, उसको इग्नोर कर देंगे। स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन इन रिजल्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टोर द एवरेज वैल्यू, जो जिन वैल्यूज का वो एवरेज कैलकुलेट करेगा वो उसको रिजल्ट के एरे में स्टोर कर दिया जाएगा। एरे ऑफ रिजल्ट में स्टोर कर दिया जाएगा। रिपीट फॉर ईच कॉलम इन रो इन एरे सैंपल। ठीक है, यस अच्छा अब देखो, अब ये है एरे। एरे एक होता है 1D और एक होता है 2D। यह है 2D एरे। कैसे पता लगता है, 2D एरे में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ये 1 से लेके 28 128 तक जो वैल्यू नजर आ रही ना, ये है कॉलम्स, यस ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे आए तो रो होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज है, 128 कॉलम है। अच्छा, अब इस एरे को समझ लो। अब जैसे ये रो 1 और कॉलम 1 पे 20 स्टोर है ना। हेलो, समझ आ रही बात? सिक्स नहीं, नहीं, देखो ये है रो 1, ये क्या है, रो 1 है और ये है कॉलम 1। यस तो ये बना 1, 1, ठीक है, रो 1। तो यहाँ क्या स्टोर है, 20 स्टोर है। अच्छा, रो 2 कॉलम 1,
ये भी 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, इन सब को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो यस अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज क्या आएगा, 20 आएगा। ये 6 6 यस ऑब्जर्वेशन है ना, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6। एक तो ये जो 20 आ रहा है, ये वाला 20 ये यहाँ स्टोर हो, ये एक और एरे है रिजल्ट, ये सैंपल एरे है, दो एरे हैं, एक सैंपल के नाम से और एक रिजल्ट के नाम से। रिजल्ट में ये 20 स्टोर हो रहा है, ठीक है, क्या यस तक ले रहे कि नहीं, ये एरे समझ में आएगा तो कोड समझ में आएगा, ठीक समझ आ गया है ना। अब इसी तरह, यस अच्छा उसने एक पीछे एक लाइन लिखी हुई है कि अगर सैंपल की वैल्यू बिलो क्या हो, 10, क्या हो, अगर टेन सैंपल की, अगर तुम एरे में देखो तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये देखो, इग्नोर साउंड सैंपल वैल्यू ऑफ 10 और लेस। अगर कोई सैंपल वैल्यू 10 या और 10 से लेस है उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे। और हाँ अच्छा, अब अगर तुम देखो इसमें सेकंड कॉलम के अंदर ये 3 आ रहा है, 3 एंड 4, यस ये 3 आ रहा है ना और ये 4 आ रहा है, तो ये लेस देन 10 है ना, तो यस इनको कर देंगे इग्नोर। अच्छा अब देखो, ये 20, ये 20, ये 20, ये सारे ऐड होंगे तो कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएगा। इन 4 20 को ऐड करो कितना आएगा, 80 आएगा ना। यस यस इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर फिर 20 आएगा, यानी इसका एवरेज 20 आएगा, और वो ये वाला सही है। अच्छा यस इन चारों को ऐड करो, 20 प्लस 30 कितना होता है, 20 प्लस 30 50 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 90 90 प्लस 50, 180 140। 140 यार अब मेरे मैथ उसको थोड़ी कितनी ऑब्जर्वेशन, 6 आ रही है ना, जी लेकिन उसने कहा था कि अगर बिलो कोई कोई वैल्यू बिलो 10 होगी उसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर हम इसको 4 से यस डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर 35 आ जाएगी। देखो ये आ गया, ओ ठीक है। डिवाइड हाँ बाय 4 डिवाइड क्योंकि जो लेस देन 10 है ना उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ओके ओके ओ उसकी वैल्यू को हमने ऐड नहीं किया ना, जब ऐड नहीं किया तो इग्नोर कर देंगे ना, जी यस ठीक है। इसी तरह सर हर कॉलम में, ये इस 1 से लेके 128 कॉलम में डिफरेंट वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ये देखो 128 में भी बता रहे हैं इसकी ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब देखो ना, 20 और 30 ऐड किया तो 50 आया, 50 डिवाइड बाई 2 तो ये 25 आ गया। यस सर तो दो एरे हैं, एक सैंपल एरे, सैंपल में वैल्यूज है, और एक रिजल्ट एरे है जिसके अंदर एवरेज स्टोर हो रही है, ठीक है, ये फंक्शन बता रहा है वो। क्लियर है यहाँ तक। राइट अब यस वो आपसे सर कह रहा है कि इसका करना क्या है, वो आगे बता रहा है कि राइट सूडो कोड फॉर प्रोसीजर मिक्स, अज्यूम सैंपल एंड रिजल्ट आर ग्लोबल। जब ये लाइन लिखी हो ना, अब सैंपल क्या है, ये भी एक एरे है, ये ग्लोबल एरे है, और ये भी रिजल्ट भी ग्लोबल एरे। इसका मतलब है ये है कि इनको हमने, इनके ऊपर कोई वर्किंग नहीं करनी, इन पे ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है, इन्हें सिर्फ हमने एक्सेस करना है। हमने क्या करना है, करना एक्सेस करना है, अपने प्रोसीजर के साथ लिंक करना है। अब प्रोसीजर का नाम क्या यस लिखा हुआ है इन्होंने, मिक्स, ग्लोबल मिक्स हमने एक सूडो कोड लिखना है किसके लिए, प्रोसीजर के लिए, और उस प्रोसीजर का नाम क्या है, प्रोसीजर मिक्स। यस अब ये देखते हैं, हाँ ये देख, तो उसने हमसे कहा था कि आपने प्रोसीजर राइट करना है, तो जब भी प्रोसीजर राइट करना होगा तो सबसे पहले आपने प्रोसीजर लिखना है, ये वाला वर्ड है, ये कैपिटल में होगा, फिर हम प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्या तक क्लियर है। यस ओके यस अच्छा क्या नहीं देख प्रोसीजर भाई, सबसे पहले प्रोसीजर लिखेंगे। आज तुमने वीडियो लिया देखी देख लिया ओके नहीं यार, आज तुमने एक वीडियो देखी होगी प्रोसीजर और फंक्शन वाली, देखी थी सर वो नहीं देखी अभी, तो तुम कह रहे थे प्रोसीजर और फंक्शन की वीडियो देखी मैंने। मैंने प्रोसीजर फंक्शन की नहीं मैं देखा स्विडो कोड की और ये बबल सॉर्ट की पार्ट वन पार्ट टू अच्छा ये बिल्कुल लास्ट 2 वीडियोस, अपने अकाउंट में जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, ओके आखिरी 2 वीडियो यस क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर्स एक्सप्लेन इससे पहले, हाँ फंक्शंस
अब तुम पहले फंक्शन और प्रोसीजर ये वीडियो देखोगे और उसके बाद पैरामीटर स्क्रीन, ये दो वीडियो इसी से रिलेट है। ओके इन दो वीडियो को आपने देखना है अगर आपने ये समझना है कि प्रोसीजर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मेरी ओके बात क्लियर है? हाँ, यस सर। तो हम इसने हमसे कहा है कि आपने क्या बनाना है, प्रोसीजर बनाना है। क्या बनाना है, प्रोसीजर ये लिखा हो ना, राइट प्रोसीजर, राइट प्रोटोकॉल प्रोसीजर, ये लिखा है ना। ठीक यस है, तो हम जब प्रोसीजर राइट करते हैं तो सबसे पहले प्रोसीजर लिखते हैं, ये कीवर्ड है, ये क्या है। हाँ, कीवर्ड और प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, प्रोसीजर का नाम मिक्स है, ये लिखा हुआ मिक्स। एक नंबर तो आपको यस इसी किसी का मिल जाएगा। अच्छा, फिर हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। हाँ, मुझे 6 नंबर चाहिए तो वो उसके लिए मेहनत बहुत बहुत एकदम। ज्यादा मेहनत चाहिए ना, सीरियसनेस चाहिए। कम से कम तुम 8 घंटे पढ़ो, फिर मिलेंगे 6 नंबर। तो मम्मा कहती हैं कि तुम 3 घंटे पढ़ो, मगर सही से पढ़ोगे ना तो हाँ, वो अच्छे ग्रेड ले सकते हो 3 घंटे कब आएंगे ये सोचने के बाद, असल मसला उसका है। तो इंशाल्लाह वन डे। हाँ मैं तो कम से कम दिन में पांच एक वीडियो 5-6 दफा देखनी चाहिए ताकि समझ में आए तुम देख क्या रहे हो, फिर उसे परफॉर्म भी करो। अच्छा, अब देखो, इसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट। ये काउंट क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि हमने लूप चलाना है। क्या चलाना है, हमने काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन 10 है। एक वेरिएबल हमें टोटल का चाहिए, ये हो गया, तो क्या हमें टोटल एवरेज कैलकुलेट करना है, उसके लिए टोटल चाहिए, इधर काम आएगा। और एक वेरिएबल चाहिए दिस नम। अच्छा, ये भी इंटीजर होगा, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। अब एक वेरिएबल चाहिए दिस यूजर और एक वेरिएबल चाहिए दिस सैंपल। अब ग्रेजुअली देखते हैं इनका यूज क्या है। अच्छा, सबसे पहले याद रखना, क्योंकि ये 2D एरे है, ये कौन सा एरे है, 2D आ रहा है, 2 2D एरे में 2 लूप्स चाहिए होते हैं। कितने लूप चाहिए होते हैं, लूप्स। हाँ, एक, अब 2D एरे में एक होता है कॉलम और एक होती है रो, या रो पहले होता है या बाद में कॉलम होता है, दोनों में से कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने कॉलम ओके और रो वाला सीक्वेंस फॉलो किया, तो कॉलम को ऑपरेट करने के लिए हमें आउटर लूप चाहिए। ये वाला जो पहला लूप है ना, ये आउटर लूप है, ये क्या है, आउटर लूप है। आउटर लूप। ठीक है, ये इसका वेरिएबल रखा हुआ है दिस सैंपल, क्योंकि आउटर लूप, क्योंकि कॉलम्स जो है, अब ये कॉलम के लिए डिफाइन किया, क्योंकि 1 से लेके 128 है, 120 120 ये कॉलम्स है, तो ये लूप जो है कॉलम को ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसके लिए हमने ये आउटर लूप रखा। अच्छा, अब देखो, उसकी इनिशियल वैल्यू दिस ओके सैंपल, ये जो लिखा है ना दिस सैंपल, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। अच्छा, ये बता, 1 less than 128 है, 1 less than 128 है, वन लेव यस यस हम लूप के अंदर आ जाएंगे। आगे क्या लिखा, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 कर दी हमने और टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 कर दी, क्योंकि हमने काउंट भी कराना है और टोटल भी कराना है, इसलिए इनकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब आ जाएंगे, ये इनर लूप है, देखो ऊपर वाला आउटर लूप है, ये इनर लूप है, ये वाला लूप है। ठीक है, ये वाला फॉर जो है, ये है इनर ठीक लूप। इनर लूप जो है ना, रो को ऑपरेट करेगा इस सिनेरियो में, दिस यूजर 1 to 6। तो आप उसमें आपने पीछे देखा था ना कितनी रोज है, 6 थी ना, 1 से लेकर 6 तक रोज है। ठीक है, अच्छा, यस अब बताओ, 1 less than 6 है, तो 1 less than 6 यस जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। कंट्रोल अंदर आया तो उसको यहाँ पे एक कोड मिला, इफ सैंपल ऑफ दिस यूजर कॉमा दिस सैंपल ग्रेटर देन 10। यानी दिस यूजर का मतलब है रो, ठीक है, दिस यूजर का मतलब क्या है रो, और रो दिस सैंपल का मतलब क्या है कॉलम। यानी रो 1 और कॉलम 1 पे अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है और ग्रेटर देन 10 है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को अपडेट करेंगे। किसको अपडेट करेंगे, हाँ, काउंट को तो काउंट इक्वल, काउंट में क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था ना, 0 2+1 हो जाएगा। प्लस 1 तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस सैंपल ऑफ दिस यूजर दिस सैंपल और दिस सैंपल। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू पिक की है, जो भी कॉलम रो 1 कॉलम 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ऑफ सैंपल एरे, ठीक है, उस अब जो पहली वैल्यू, क्योंकि हम टोटल कराए थे, टोटल की पहली वैल्यू, इनिशियली वैल्यू 0 है, ठीक है, और अब हम जाके देखते हैं टेबल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई, 20 पड़ी हुई, तो 0 प्लस 20 कितना हो जाएगा, टोटल में 20 स्टोर हो जाएगा।
अच्छा देखो कैसे होगा, अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये देखो, आपको ये वाली वैल्यू नजर आ रही है रो वन, ये वाली नजर आ रही है रो वन कॉमा वन, रो ये रो है और ये कॉलम, ठीक है रो वन कॉमा वन। क्या कौन सी वैल्यू पड़ी हुई? 20 पड़ा हुआ ना। यस अब ये बताओ 20 ग्रेटर देन 10 होता है तो यस ये कंडीशन मीट हो रही है। तो यस जब 20 ग्रेटर देन 20 होगा तो टोटल अपडेट हो जाएगा। एक तो तो काउंट थर्टी अपडेट हो, ग्रेटर देन पहले काउंट अपडेट सर होगा, काउंट थर्टी वैल्यू 1 हो जाएगी, टोटल की वैल्यू 20 हो जाएगी जो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा। ये 20 20 वही से 20 ग्रेटर 20 नहीं, इक्वल ट्वेंटी टू ग्रेटर देन 20 टेन, 20 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ओके अच्छा उसने मेंशन किया हुआ ना कि अगर हम उस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, एक सेकंड ये देखो इसने लिखा हुआ ना, इग्नोर साउंड सैंपल वैल्यू ऑफ 10 और लेस। अगर कोई वैल्यू, देखो पहली वैल्यू 20 है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सही है। अब आप ये देखिए, फिर से लिख रहा हूं, रो कॉमा कॉलम, ठीक है रो वन पे और कॉलम वन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई? 20 पड़ी हुई, तो यस इसका मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगी, 20 ग्रेटर देन 10 है, 20 ग्रेटर देन 10 है ना, यस यस इसका मतलब ये काउंट अपडेट हो जाएगा। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो ओके जाएगी? टू टू पहले की पहले 1 हो चुकी थी नहीं, अब अभी टू हो तो जाएगी दोबारा मैं दोबारा उस पे आ गया ना, ठीक ओके फिर है ना। तो यस अब उसके बाद ये वैल्यू अपडेट होगी, उसके बाद टोटल अपडेट होगा। टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या? 0 है ना। यस और इस एरे में सैंपल ऑफ, यानी ये रो वन है और ये कॉलम वन है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ? 20 पड़ा हुआ है। यस तो 20 0 प्लस 20 तो टोटल में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यस सर अच्छा पहले ये इनर लूप चलेगा पूरा 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब पीछे जाते हैं, हम चले गए पीछे। अब देखो इनर लूप चल रहा है, हमने पहली वैल्यू नोट डाउन करी 20 है, फिर सेकंड टाइम चलेगा उसमें भी 20 है, थर्ड टाइम चलेगा उसमें भी 20, फोर्थ टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम, क्योंकि 1 2 लूप चलेगा, 1 2 6, 1 2 6, और ईच यस टाइम ये 20 वैल्यू को ऐड टोटल में ऐड करता जाएगा, यानी ये 20 में ऐड होता जाएगा ऐसे। अच्छा ये भी अपडेट होता रहेगा, 2 3 4, ये 20, ये 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 20, ये 6 हो जाएगा। इसका आंसर 120 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब जब ये लूप जो है 6 टाइम चलेगा, अब इनर लूप एंड हो जाएगा। इनर लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। जब इनर लूप एंड हो जाएगा तो अपने लूप से बाहर आएगा। ये देखो ये इनर लूप 1 2 6 टाइम चलेगा, ठीक है, उसकी वजह से ये टोटल अपडेट होता रहेगा। जब ये इस लूप से बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट दिस यूजर, ये इंक्रीमेंट करने के लिए, तो आगे उसको ये वाला फार्मूला मिलेगा। अब देखो टोटल में क्या पड़ा हुआ? 120 पड़ा हुआ है और काउंट में क्या पड़ा हुआ? 6। तो 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। आंसर क्या आएगा? अच्छा ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप बिल्ट इन फंक्शन जो इंसर्ट होता है ना उसको डेली रीड करें, ताकि आपको पता हो कि बिल्ट इन फंक्शन क्या काम करते हैं, ठीक है। अच्छा यस अब ये जो 20 है ना, ये रिजल्ट के एरे में इस सैंपल की पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। ये 20 यहाँ स्टोर हो जाएगा। ये उसने बताया हुआ था ना कि जो रिजल्ट आता है वो दूसरे एरे में स्टोर हो जाता है। ये देखो ये वाला, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या सर करेगा? अच्छा अब वो क्या करेगा? अब ये आउटर लूप की तरफ जाएगा। आपका कंट्रोल किधर जाएगा? आउटलुक अब देखो ये वाली लाइन जो है अपग्रेड हो गई, ये वाली लाइन चल गई, और उसको आगे मिला नेक्स्ट नेक्स्ट दिस सैंपल, यानी रो की वैल्यू 2 हो जाएगी। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सॉरी कॉलम कॉलम हो जाएगी। की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि कॉलम आउटर लूप जो है कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हाँ ये 2, 1 सेकेंड कॉलम रो 1, सेकेंड कॉलम। वन अब आपका कंट्रोल यहां से निकल के आउटर लूप की तरफ आएगा, यहाँ पे ये कॉलम और रो, तो कॉलम 2 हो जाएगा, रो 1 हो जाएगी। अगेन अब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये फिर से 6 टाइम चलेगा, लेकिन कॉलम 2 होगा, ठीक है, और रो चेंज होती रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। हाँ नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कितनी रो है, 6 6 रो है, और जी, कॉलम तो कितने हैं, 120 है। 120। कितने लूप इस्तेमाल हो रहे हैं प्रोग्राम में, 120 है। नहीं लूप कितने इस्तेमाल होंगे, ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है सिक्स ये, सॉरी सिक्स हाँ यस सिक्स 6 तो नहीं, 2 लूप इस्तेमाल होंगे ना, 6 क्यों होंगे दो 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 क्यों? इस प्रोग्राम में, कितने लूप हैं। इस प्रोग्राम 6 कितने, तुम्हें 6 कैसे पता लूप के बारे में, तुम्हें कैसे 3 पता लगेगा, ये 6 रोज हैं तो 6 दफा इस जाएगा ना लूप वो। कितने हैं, इस पूरे प्रोग्राम में कितने लूप नजर आ रहे थे, क्या नहीं पता। तुम्हें लूप के बारे में पता है, यस क्या है लूप, किसको कहते हैं, थिंग इज लाइक देन आप सब जब आप फॉर एग्जांपल आप सुडो कोड उसको में आप छोड़ो, कुछ करते हैं इस और पूरे आपको प्रोग्राम किसी में लूप, वैल्यू नहीं लाइक पूरे प्रोग्राम में कोई लूप नजर आ रहा है तुम्हें, यस क्या नाम इसका, जी लूप का नाम बताओ, कितने इस पूरे प्रोग्राम में लूप कहाँ है, जरा मार्क करके बताओ, ये है कौन यहाँ सा, से पहले यहाँ से एक काउंट यहाँ से एक लूप है लाइक बस हम फॉर एग्जांपल मैं मेरा मतलब है कि मैं मुझे नहीं पता मैं भूल तुम्हें पता गया। ही नहीं है लूप होता क्या है, तो तीन लूप में पता पता है होता क्या मगर है तो मुझे इसमें अभी बताओ पहला लूप कहाँ है, ऊपर फॉर द सैंपल 1 to 8 काउंट टोटल दिस लूप का फॉर दिस नाम म्यूजिक क्या है ये बताओ, कितने लूप होते हैं, और दिस 1 to यहाँ पे 1 to 1 1 to 128 इसमें से लूप का नाम बता दो भाई, ये तो बता दो ना, लूप कौन सा, उस लूप का नाम क्या है, एंड सॉरी तुम्हें पता ही नहीं एंड लूप इफ होता क्या है, तुम एंड पता नहीं एंड क्या इफ कर रहे हो, एंड इफ एंड इफ एंड इफ लूप थोड़ी होता है भाई, वो तो कंडीशन होती है, ये है लूप, फॉर लूप, ये लूप है, ये कंडीशन है, क्या है, लूप है हाँ ये लूप है। लूप 3 तरह के होते हैं आपने पढ़े में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल, उसमें से एक लूप इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी को ऑपरेट करता है, किसको ऑपरेट करता है, को क्योंकि इस लूप ने 128 कॉलम को ऑपरेट करना है, तो हमें लूप चाहिए होगा ना, 128 टाइम चले, तो जी फॉर लूप, अब ये कौन सा लूप है, अब इस जब हम बात करते हैं ना 2D एरे की, तो इसमें एक रो होती है और एक कॉलम होता है, क्या होती है, रो एंड कॉलम, यानी रोइंग इसमें कॉलम होता है मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। 2D एरे का कैसे पता लगता है, कि उसमें क्या होते हैं ऐसे, ये 2D एरे है, सही है, इसमें कितने कॉलम है, इस टेबल में कितने कॉलम नजर आ रहे थे, एक दो तीन चार ये 1 कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब अगर मुझे अपना कंट्रोल मूव करना है 1 से लेकर 4 तक, तो मुझे क्या चाहिए होगा, लूप चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, अह
क्या चाहिए होगा? लूप चाहिए होगा भाई, क्या चाहिए होगा? लूप साइड होगा। यानी मुझे एरे को अगर ऑपरेट करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? लूप चाहिए होगा। अब यस क्योंकि ये 2D एरे है ना, 2D एरे में रो भी है कॉलम भी है, यानी ये रो है 1 2 3 4, तो मुझे दो लूप चाहिए। अब एक इसमें आउटर लूप होता है और एक इसमें इनर लूप होता है। जो लूप पहले लिखते हैं वो आउटर लूप होता है, क्योंकि इनर लूप आउटर लूप के अंदर होता है। अब इसमें टोटल इस पूरे प्रोग्राम में दो लूप है, एक ये है फॉर, ठीक है, ये वाला जो फॉर है ना ये आउटर लूप है, ये कौन सा लूप है? अरे और ये वाला लूप कौन सा है? इनर लूप। कौन सा है? इनर। लोग तो भाई अब ये आउटर लूप चला हैंडल करेगा कॉलम को और इनर लूप हैंडल करेगा रोज को। तो इनर लूप पहली सारे पहली जितनी भी 6 रोज है ना उनको ऑपरेट करेगा, जब तक नंबर ऑफ रोज कंप्लीट नहीं हो जाती इनर लूप बाहर नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि हाँ ये असल में पहले आउटर लूप चलेगा, उसके बाद इनर लूप चलेगा, जब नहीं, तक पहले आउटर आउट लूप। बिल्कुल पहले आउटर लूप चलेगा लेकिन आउटर लूप कंप्लीट नहीं चलेगा, क्योंकि तो आउटर लूप चेक करेगा कंडीशन 1 less than 128 है, वन लेसन यस 120 यस ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो अंदर आएगा। अंदर आया तो उसने काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 कर दी, टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। फिर जब यहाँ आया तो यहाँ पे उसे एक और लूप मिला। क्या मिला? एक और मिला। अब इसकी रेंज क्या? 1 to 6 है, तो ये 1 less than 6 है। यस अच्छा, अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो 3 लाइनें लिखी हुई ना ये एग्जीक्यूट कर जाएंगी, सही है। ये 3 लाइनें जब यस एग्जीक्यूट, लेकिन देखो लेकिन ये 6 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। कितना टाइम एग्जीक्यूट करेगा? सिक्स टाइम्स हाँ, जब तक इनर लूप अपनी रेंज कंप्लीट नहीं कर लेता, जैसे इस केस में 6 है, तब तक ये बाहर नहीं आएगा। और 6 टाइम्स जब लूप चलेगा, हाँ जब तक वो बाहर नहीं आएगा। हाँ ये जब 6 6 यानी ये रोज पीछे अगर जाए ना तो ये 6 रोज फिल नहीं कर लेता, जब तक ये 6 रोज फिल नहीं कर लेता। ये देखो पीछे जा, ये है ना इनर लूप रो को ऑपरेट करे, ये पूरी 6 रो फिल नहीं कर लेता, इनर लूप बाहर नहीं आएगा। जब ये 6 रोज फिल हो जाएंगी तो इनर लूप बाहर आएगा, ठीक है। बाहर जब आएगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एवरेज को एवरेज को कैलकुलेट कैलकुलेट कर। कर रहे हैं। एवरेज कैलकुलेट होगा, उसके बाद रो टू कॉलम टू पे जाएगा कंट्रोल, क्योंकि तो आउटर लूप इस केस में कॉलम को ऑपरेट कर रहा है, सही है। यस नहीं, आई इधर इस बात को जो एंड बात उसको फिर रिपीट कर सके आप, इसको कौन सा? जो एंड में जो आपने कहा था कि हाँ देखो फॉर ये इनर लूप ये कंप्लीट करेगा ये वाला कोड, ठीक है। जब तक ये पूरा कोड कंप्लीट नहीं हो जाता इनर लूप बाहर नहीं आएगा। इनर लूप चलेगा 6 टाइम, कितने टाइम चलेगा? सिक्स टाइम्स यानी वो 6 रोज को ऑपरेट कर रहा है, 6 रोज फेल हो जाएंगी तो फिर इधर आएगा। इधर क्या कैलकुलेट हो रहा है? एवरेज क्या कैलकुलेट हो रहा है? एवरेज। एवरेज स्टोर हो जाएगा इस रिजल्ट के एरे में, ठीक है, रिजल्ट एरे में स्टोर हो जाएगा। अच्छा स्टोर हो गया, पहला मतलब पहली पहला कॉलम और 6 रोज पूरे हो गए। अब जाएगा ये आउटर लूप की तरफ, किधर जाएगा? अब आउटर लूप अपडेट हो जाएगा, अब हो जाएगा आउटर लूप 2 less than 128, 2 less than 128। अब क्या कंट्रोल वन कहाँ आ गया? इधर आ गया। कहाँ आ गया? इधर आ गया, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। हाँ यस यस फिर से 6 टाइम्स सिक्स फिर टाइम से, जाएगा। हाँ फिर से 6 रोज ऑपरेट करेगा, फिर ये इससे बाहर आएगा, एवरेज कैलकुलेट करेगा और उसके बाद क्या कहते हैं थर्ड कॉलम पे चला जाएगा। फिर कॉलम फिक्स होगा, रोज चेंज होती रहेगी। इनर लूप जो है वो रो को ऑपरेट कर रहा है, ये वाला फॉर जो है, ये वाला फॉर ये किसको ऑपरेट कर रहा है? रोज को। समझ आई बात? हेलो कहाँ पे हो?
मैं प्रोसेस कर रहा हूँ अभी, मैं लेजर प्रोसेस कर रहा अभी छोड़ो ये हूँ। पढ़ना, 1 मिनट अभी ये पढ़ना शुरू करो तो तुम्हें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके द लाइन डिक्लेयर्स इट डिफाइंस, ऊपर ओके से पढ़ो। इट डिफाइंस प्रोसीजर एंड नेम्स व्हिच सीम टू बी डिजाइन टू कैलकुलेट सम स्टैटिक्स बेस्ड ऑन टू डी एरर्स हेल्प हियर आर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द कोड डज प्रोसीजर नेक्स्ट दिस लाइंस डिक्लेयर्स अ प्रोसीजर नेम मेक्स प्रोसीजर आर कोड ब्लॉक्स दैट कैन बी कॉल्ड इन योर प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट टास्क। पढ़ लिया, पूरा यस पढ़ लिया, पढ़ो नहीं पूरा नहीं पढ़ा मैं। ना। वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेयर अकाउंट सर ये तो पता है डिक्लेयर अकाउंट टोटल दिस नंबर डिक्लेयर दिस यूजर दिस सैंपल इंटीजर इन दिस सेक्शन सेवन इंटीजर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर काउंट एंड टोटल वन आर यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैटिक्स दिस नंबर सीम्स टू बी डिक्लेयर बट नॉट यूज इन द कोड This user and the sample are loop control variables. अब आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है? हेलो लूप फॉर दिस सैंपल 1 to 1 to 8 दिस इज आवर लूप विच इटरेट्स ठीक है इटरेट्स आइट्रेट, आइट्रेट, इटरेट भी करते हैं, आइट्रेट मूव करना मेनी टाइम। इटरेट थ्रू अ रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 1 to 128 इट अपीयर्स टू बी इंटेंडेड टू प्रोसेस डिफरेंट सैंपल्स काउंट total equal to zero within each iteration of the outer loop count and total one are initialized to zero for this user 1 to 6 this is an inner loop that is traced from 1 to 6 it appears to be intended to process different users within each sample so ये मुझे एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे ये पार्ट सुन कौन सा? हाँ देखो, रहे हैं तो यहाँ कह रहा है कि जब वो इन आउटर लूप के अंदर, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर दिस सैंपल इक्वल है 1 to 128, ये लूप चलेगा आउटर लूप, ये आउटर लूप है, जो पहले लूप आता है वो आउटर लूप होता है, ठीक है। और आउटर लूप इस वक्त कॉलम को ऑपरेट कर रहा है और ये 1 से लेके 128 कॉलम को ऑपरेट करेगा। अच्छा, जब वो लूप के अंदर इंटर होगा ना, तो काउंट इक्वल टू 0 हो जाएगा और टोटल इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इनिशियलाइज कर रहा है, क्योंकि हमने काउंट भी कराना है और टोटल भी कराना है। इन एनी केस ये इनकी इनिशियल वैल्यू 0 होती है, सही है। अब जब ये इनिशियलाइज कर दिए, तो ये वाला जो लूप है ना, ये इनर लूप है। ये क्या है? इन लूप का इंडेक्स दिस यूजर है और इसका इंडेक्स दिस सैंपल है। अब ये जो इनर लूप है ना, ये 1 to 6 टाइम चलेगा, 1 to, यही बात इतनी देर से आपको समझा रहा था मैं, ठीक है। यस अब ये कंडीशनल चेक, ये पढ़ो जल्दी कर लो यार, मैंने सोना भी नहीं। कंडीशनल चेक और सैंपल दिस यूजर द सैम इफ सॉरी इफ द इफ सैंपल दिस यूजर दिस सैंपल लेस देन 10 10 ग्रेटर देन यार। टुगेदर देन 10 अब देखो ये क्या है, ये हमने, ये इसने बताया हुआ है ना कोड के अंदर, क्या लिख, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ, ये वाली लाइन पढ़ो। इग्नोर काउंट सैंपल वैल्यू ऑफ 10 और लेस, यानी हमने उस वैल्यू को इग्नोर कर देना है जो 10 या 10 से लेसर हो, ठीक है। इसके लिए ये हमने कंडीशन लगाई है, इफ सैंपल ऑफ दिस यूजर कॉमा दिस सैंपल ग्रेटर देन 10, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। इन साइड द इनर लूप देयर इज अ कंडीशनल चेक, इफ इट चेक्स इफ द वैल्यू एट सैंपल
सैंपल ऑफ दिस चा दिस यूजर कॉमा दिस सैंपल ठीक है इज ग्रेटर देन 10 इफ दिस कंडीशन इज ट्रू द फॉलोइंग एक्शन आर परफॉर्म, यानी काउंट जो इंक्रीमेंट हो जाएगा और टोटल भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, और फिर वो करेगा कैलकुलेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, क्या करेगा? हेलो, जल्दी करो भाई, आर यू देयर? यस मैम, ये मगर आपकी बात नहीं समझ आई मुझे। नहीं मैं तो ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये तो दोबारा समझा रहा हूँ, तीसरी चौथी तरह समझा रहा ये अब मैं पढ़ लूँ, हूँ, पढ़ लो पढ़ लो। इनसाइड इनसाइड इनर लूप इज अ कंडीशन चेक इफ चेक्स इफ द वैल्यू एट सैंपल इज यूजर दिस सैंपल इज ग्रेटर देन 10 इफ This condition is true. The following action are performed. Count is incremented by one. Total is increased by the value at sample. This you say calculation and assignment. जब ये क्योंकि ये देखो ना, ये वाला लाइन आ रही है ना, ये लिखी हुई है ना, जब लूप से बाहर आएगा ना 6 टाइम चलने के बाद, तो लूप से बाहर इसको ये लाइन मिल रही है, देखो ये नजर आ रही है, नेक्स्ट दिस यूजर के बाद लाइन नजर आ रही है, मेरा माउस नजर आ रहा है, हाँ यस ये वाली लाइन, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे कौन सी कैलकुलेशन हो रही है? एवरेज कैलकुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है? एवरेज, ये वाली कैलकुलेशन। ये नीचे पढ़ो डिस्क्रिप्शन, ओके फॉर आफ्टर इन अ लूप कंप्लीट फॉर ऑल द यूजर्स फॉर यूजर इन अ सैंपल द कोड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन द सैंपल बाय डिवाइडिंग टोटल वन बाय काउंट एंड रिजल्ट इज असाइंड टू रिजल्ट दिस सैंपल। तो इसमें एरे में स्टोर कर देगा जो रिजल्ट जो वैल्यू कैलकुलेट होगी ना, जो कि एवरेज कैलकुलेट होगी ऑफ ईच कॉलम 6 रोज, वो इस एरे में स्टोर कर देगा। अब ये देखो ना, ये बना हुआ है, अगर तुम तो पिक्चर की तरफ जाओ, ये देखो ये वाला 20, ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे दो एरे, एक सैंपल के नाम से और एक रिजल्ट के नाम से, सैंपल में वैल्यूज है और रिजल्ट में उसका एवरेज है, ये 20 नजर आ रहा है? हाँ भाई, 20 नजर आ रहा है? जी जी हाँ, तो ये कैलकुलेट होने के बाद रिजल्ट एरे में स्टोर हो जाएगा ना, इस कहानी का ये पर्पज है। ठीक है, यस अब ये देखो तुम, एक एंड ऑफ लूप्स द लाइन मार्क्स ऑफ द एंड ऑफ द इनर लूप नेक्स्ट नेक्स्ट दिस सैंपल The line this line marks the end of the outer loop end of the procedure the line marks the end of the mixed procedure in summary this code accurate the average value of the 120 sample based on values in a 2D array sample it counts the number of the values in each sample that are greater than 10 and then calculates the average of those values the result are stored in array called result जो जो भी एवरेज आएगा उसको हम एरे क्या था, रिजल्ट एरे में स्टोर यस करते, ठीक है? तो क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया, 8 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके यस अच्छा। अब सर मैंने आपको दो वीडियो और भेजी है, आपने वो इसको अच्छी तरह समझ लो, क्या नाम है किसको, सॉर्टिंग हो किसको फाउंडेशन फंक्शन को मैंने आपको दो वीडियो और भेजी है, आपके पास अभी ऑलरेडी है ना, तक दो नहीं। वीडियो ऑलरेडी है ना, एक फंक्शन प्रोसीजर की है और एक, हाँ मैंने कहा था ये फंक्शन प्रोसीजर पैरामीटर स्क्रीन, इसको जरा देख लेना, ओके ठीक है? और मैं आपको बबल सॉर्ट की दो वीडियो और भेज रहा हूँ, बल्कि ऑलरेडी तो मैं भेजी हुई है, यस है बेची बेचने वाला था हाँ वो जरा देख लेना, ये फंक्शन प्रोसीजर दोबारा देखो, ठीक है? बोल, हाँ ये फंक्शन ये दो वीडियो दोबारा देखो भाई, ये मैं भेज रहा हूँ दोबारा, ठीक है?
ओके, अल्लाह हाफिज़। आप से।